हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं बेल्स और बेल पुश कैसे लगता है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, देख सकते हैं ये हमने एक एंकर की बेल ली है, डिंग डोंग है डोर बेल। देखिए इसके वायर हैं, अब इसको आपको स्विच दिखा दें। दोस्तों ये हमारा बेल पुश है, हैवेल्स का बेल पुश लिया हमने, देख सकते हैं दोस्तों। ये इसके इंडिकेटर की वायर है, देखिए देखिए दोस्तों। अब इसके कनेक्शन बता दें आपको किस तरीके से करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम न्यूट्रल का कनेक्शन बना रहे हैं। देखिए इस पर हम क्या करेंगे, घंटी की वायर को और जो हमारे स्विच की इंडिकेटर की वायर है उन तीनों को आपस में जोड़ कर टेप कर देंगे। ये हमारा न्यूट्रल बन गया दोस्तों। अब इस पे दोस्तों देखिए हमें वो हाफ देनी होती है, हाफ हम बोलते हैं जो स्विच में वन और टू लिखे रहते हैं, जो टू नंबर पे आती है। ये देखिए एक हमने इंडिकेटर की वायर ले ली है और दूसरी हमने बेल की वायर ले ली है। इन दोनों को देखिए नंबर टू पे डाल देंगे, ये हमारा हाफ भी बोलते हैं वैसे, इसका कनेक्शन हो गया। अब इसी तरीके से इसको मेन करंट देंगे, देख सकते हैं ये दूसरी वायर को लेके इस पर हम जो हमारे स्विच पे लिख रहे थे वन उस जगह पे लगा देंगे मेन कनेक्शन के लिए। ये हमारा मेन करंट आएगा इससे, देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके हमारे बेल के और बेल पुश के कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसको करंट देने के लिए हम एक टू पिन टॉप लगा दे रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। दोनों वायरों को जो हमारा टू पिन टॉप की पिनें होती हैं उसमें कस देंगे, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हम टू पिन टॉप के पिनों का कनेक्शन हो चुके हैं, अब इसको कस देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको कस के देखिए, अब इसका प्लग भी लगा देते हैं और एक बार आपको चेक भी करा देते हैं दोस्तों किस तरीके से हमारी डोल पर काम कर रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।